हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्वेस्ट अन अकेडमी। क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम्स। बैंक के कोई भी क्वेश्चन हो, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के साथ यहां पर क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर्ण। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ। तो चैनल का नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्वेस्ट। आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा? तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे जहाँ पर आपकी डाउट पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे जो कि आपको पता चलेगा क्या कि बैंक के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, एसएससी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ाया जाता है। लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अन अकेडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर अवेलेबल है। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले इंस्टॉल करिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ये मैंडेटरी है। आपके लिए मैंने बनाया है टेलीग्राम चैनल, आप इस लिंक से हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और साथ ही साथ पीडीएफ के रूप में मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की बात करें दोस्तों, तो मेरे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन हैं। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 रुपये, जहाँ 2 सालों के लिए 7,200 रुपये। लेकिन जैसे ही आप मेरा ये कोड डालेंगे आर पी के टेन, ये याद रखिएगा रेफरल कोड, जैसे ही आप इसे यूज करेंगे तो 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल के लिए फी थी 6,000, तो लेंगे 5,400 रुपया। 2 साल के लिए था वहां पर 7,200, तो लेंगे 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये रेफरल कोड RPK10, जो कि हर तरह के सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, इससे पिछला सेशन जो मैंने लाया था वो था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। इसको एक राउंड हम लोग रिवाइज कर लेंगे और इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में कल मैंने जो बताया था वो था हिस्ट्री ऑफ बैंक, जिसमें कि हम लोग शुरुआत किए थे सन 1770, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 80% कैपिटल लिया गया था। फिर 1806 बैंक ऑफ बंगाल बना, फिर 1806 बंगाल बना, फिर कोलकाता बना, फिर 1840 बॉम्बे बना, फिर मद्रास बना। तीनों बैंक प्रेसिडेंसी कहलाया। प्रेसिडेंसी जो है 1921 में क्या हो गया, मर्ज हो गया। तीनों बैंक मिला करके 1921 में बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम पड़ा 1 जुलाई 1955 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके 1959 में एसोसिएट्स बने। फिर सबको मर्ज कर दिया गया SBI में, क्रमशः 19 नवंबर 2013 को जो भारतीय महिला बैंक बना था उसे भी मर्ज कर दिया गया और SBI इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज वाला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। पहले फेज का निस्लाइसन 19 जुलाई 1969, 50 करोड़, 14 बैंक, जिसमें से अब बच गया कितने, 10। ये सब कल हम डिस्कशन कर चुके थे। सेकेंड फेज में था 15 अप्रैल 1980 टोटल बैंक की संख्या थी यहाँ पर 6, जिसके कैपिटल फंड थे टोटल 200 करोड़। और इस 6 में से जो है अब एक ही बैंक बच गया, ये पंजाब एंड सिंध बैंक। बाकी 5 बैंकों को मर्ज कर दिया गया। तो उधर देखें तो फर्स्ट फेज में कितना था, 10, सेकेंड फेज में कितने, 1, तो टोटल हो गए नेशनलाइज 11। आज हम लोग बात करेंगे बैंक एंड इट्स टाइप, इसी का एक कंटिन्यू है, बैंक और उसके टाइप के बारे में। देखिए, बैंकिंग की बात करें तो सबसे पहले एक टर्म आया था बेंच, यानी बेंच पर बैठ करके यूरोपियन प्रणाली में काम होता था। और हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो यूरोपियन प्रणाली के आधार पर ही लाया गया। इसके बाद एक टर्म आया बैंको, फिर हो गया BANC बैंक, और हम लोग इंग्लैंड वाली इंग्लिश पढ़ते हैं तो हो गया BANK बैंक। यानी कि जिस तरह से बजट वर्ड का अपना कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, उसी तरीके से बैंक का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। ये फ्रेंच वर्ड है, यूरोपियन प्रणाली के आधार पर लिया गया। बहुत सारे इकोनॉमिकल टर्म है जहां पर ग्रीक वर्ड यूज किया जाता है, उसका डायरेक्टली हिंदी मीनिंग नहीं है। जैसे मॉर्गेज, उसका हम लोगों ने नाम रख दिया बंधक रखना, लेकिन एक्चुअल में मॉर्गेज फ्रेंच वर्ड है। लियेन, प्लेज, ये सब इंग्लिश वर्ड है नहीं, लेकिन हम लोग यूज में जैसे जैसे आया उसके अर्थ के अनुसार हम लोगों ने उसका अर्थ लगा दिया। तो बैंक की बात करें तो बैंक का अपना कोई डेफिनेशन ही नहीं होता। डेफिनेशन होता है उसके काम काज की, जिसे कहते हैं हम लोग बैंकिंग। यानी कि बैंकिंग को डिफाइन किया गया है, ना कि बैंक को। बैंकिंग क्या है, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन प्रोवाइड करना, जो भी कामकाज है वो बैंकिंग। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती है उसका नाम बैंक। तो देखिए, इस बैंकिंग के जो डेफिनेशन जो है उसको डिफाइन कैसे किया गया, तो दो तरह का एक्ट है बेसिकली। एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक है
आरबीआई एक्ट 1934। थोड़ा सा इरेजर यूज कर लें यहां। अब देखिए तो दो तरह के एक्ट हैं, एक कौन सा, तो एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एक है दूसरा आरबीआई एक्ट 1934। अब देखिए बैंकों का जो काम काज है, यानी कि बैंक जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, बैंक लोन प्रोवाइड करेगी, ये सब जितना भी काम काज है सब डिफाइंड है कहां, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। लेकिन बैंक को जो लाइसेंस मिलेगा, अभी बंधन बैंक खुला, आईडीएफसी बैंक खुला, ये लाइसेंस किस एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो आरबीआई एक्ट 1934। याद रखिएगा ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत देश में बैंकिंग को कहां पर डिफाइन किया गया है, और ऑप्शन में दोनों रहेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934। हम लोग टिक करेंगे किसको, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को, यानी कि जो बैंकिंग की डेफिनेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ सेक्शन 5B, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में लिखा गया बैंकिंग को, जहां पर कहा गया कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश के उद्देश्य से, एंड क्रेडिट वो हमें उधार देता है। क्रेडिट का मतलब आप समझ लीजिए यहां पर लेंडिंग, लोन देना, ऋण देना, एंड रिपेड यानी कि जो पैसा हम पे करते हैं उसे रिपे वापस भी करती है, और फिर कस्टमर के डिमांड करने पर वो हमें चेक, ड्राफ्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट भी देती है, अदर इंस्ट्रूमेंट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा। ये जो फैसिलिटीज है इसे कहते हैं बैंकिंग। ये कोई डेफिनेशन हमारे द्वारा नहीं लिखा गया, ये डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B में लिखा गया कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट एंड रिपे टू द कस्टमर ऑन देयर डिमांड इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट में क्या सब हो गया, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा। तो ये जो बैंकिंग की डेफिनेशन है ये डिफाइंड कहां है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ सेक्शन 5B। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसे चार कैटेगरी में भारत में हम लोग बैंकों को बांट देते हैं। पहला बैंक है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक, तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक और चौथा डेवलपमेंट बैंक। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली बैंकों को कैटेगराइज कर दिया गया है चार कैटेगरी में, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए पहला बात करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक, तो सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सर्किल है, सर्किल का साइज कितना भी बड़ा हो या छोटा हो सकता है सबकी रेडियस अलग हो, सबके डायमीटर अलग हो, सबके सर्कमफेरेंस अलग हो, लेकिन सब में होता है क्या, सेंटर, यानी कि उस सर्किल की पूरी व्यवस्था जो कंट्रोल हो रही है वो कहां से, सेंटर से। तो जहां से हमारा सिस्टम पूरा रेगुलराइज होता है उसे हम लोग सेंटर कहते हैं, और ये सेंटर से ही वर्ड बना क्या, तो सेंट्रल। सेंटर से क्या वर्ड बना है, सेंट्रल, यानी कि जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है इस बैंकिंग सिस्टम को कौन रेगुलेट करती है, तो सेंट्रल बैंक। यानी कहने का मीनिंग सेंट्रल बैंक की हम बात करें तो सेंट्रल बैंक का जो कंसेप्ट है वो पहले नहीं था, पहले प्रेसिडेंसी बैंक का कंसेप्ट था। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे देश में आजादी से पहले शासन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस समय के एक वाइसराय हुए जिनका नाम था वेलिंगटन। वेलिंगटन ने कहा कि हमारा शासन जिन जिन कंट्री पे है वहां पर एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को रेगुलेट करे। तब जाकर के भारत में एक कमीशन बना, जिस कमीशन का नाम था क्या, तो हिल्टन एंड यंग कमीशन। इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर भारत देश में गठन हुआ किसका, तो आरबीआई का। यानी कहने का मीनिंग कि ये अंग्रेजों वाला नाम है हिल्टन एंड यंग कमीशन, ये एक आयोग बनाया गया था हिल्टन एंड यंग कमीशन, और इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पर भारत में सेंट्रल बैंक का निर्माण हुआ। यानी क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई किस कमीशन के आधार पर भारत में आया, तो हम लोग याद रखेंगे हिल्टन एंड यंग कमीशन। यानी कि भारत देश का सेंट्रल बैंक कौन सा, तो आरबीआई। कब बना है, तो आरबीआई बना कब, तो 1 अप्रैल 1935, यानी 1 अप्रैल 1935 को बना इंडिया में आरबीआई।
अब क्या था उस समय, कमीशन कौन सा बना, हिल्टन एंड यंग कमीशन। उस समय के एक वाइसराय कौन थे, वेलिंगटन। इसी कमीशन के आधार पर इंडिया में आरबीआई का गठन हुआ। आप देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी संस्था जब भारत देश में बनेंगी तो उसका नियम कानून होगा। तो आरबीआई से रिलेटेड जो भी नियम कानून था वो लिखा गया कहाँ, तो आरबीआई एक्ट 1934। अब देखिएगा पहले क्या होता है कि पहले एक्ट बनता है और उसके बाद उसका स्थापना होता है, अक्सर हाँ यही होता है। नाबार्ड बना कब, तो 1982 में। एक्ट कब बना, 1981 में। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की, जिसमें क्या हुआ था कि वो बना था 1975 में लेकिन उसका एक्ट बना था 1976 में। तो हम देखें सेंट्रल बैंक, तो भारत देश का सेंट्रल बैंक कौन सा, आरबीआई। बना कब, 1 अप्रैल 1935। उस समय के वाइसराय कौन है, वेलिंगटन। कमीशन कौन सा बना, हिल्टन एंड यंग कमीशन। एक्ट कौन सी बनी, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत स्थापना किसका, तो आरबीआई का, जो कि भारत देश का क्या है, सेंट्रल बैंक। अब देखिए यहां पर हम स्लाइड के थ्रू समझते हैं, ए बैंक विच इज इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री इज नोन एज सेंट्रल बैंक। यानी कि वैसा बैंक जो सारे बैंकों को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, उसे उस देश का क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रल बैंक। किसी एक देश में सेंट्रल बैंक की संख्या कितनी, तो एक। अमेरिका एक्सेप्शनल केस है जहां 5-5 सेंट्रल बैंक है। तो हम लोग इंडिया का पढ़े, अमेरिका का छोड़ दे, तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा, तो आरबीआई। आरबीआई कब बना है, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक, उस समय के वाइसराय कौन थे, जो पिछली स्लाइड में मतलब मैंने बताया, वेलिंगटन। कमीशन कौन सा, हिल्टन एंड यंग कमीशन। एक्ट कौन सा बना था, तो आरबीआई एक्ट 1934। याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 पास्ट हुआ तब जाकर के एस्टेब्लिशमेंट है किसका, तो आरबीआई का। तो आरबीआई कब बना, 1 अप्रैल 1935। एक्ट कब बना, तो आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत स्थापना किया गया किसका, तो आरबीआई का, जो कि भारत देश का क्या है, सेंट्रल बैंक। इट डजंट डील्स विद जनरल पब्लिक, यानी कि आरबीआई कभी भी जनरल पब्लिक को डील नहीं करता। यानी कि सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोग को इतना जानना, फिर आगे हम लोग एक चैप्टर ही रखेंगे आरबीआई, जहां पर इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, फिर इसके फंक्शन भी है, मॉनेटरी पॉलिसी जिस पर डिस्कशन होगा। तो सेंट्रल बैंक कौन सा इंडिया का, तो आरबीआई। कब बना है, 1 अप्रैल 1935। उस समय के वाइसराय कौन है, वेलिंगटन। कमीशन कौन सा बना, हिल्टन एंड यंग कमीशन। एक्ट कौन सी बनी है, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके तहत स्थापना किसका, आरबीआई का, जो कि भारत देश का क्या है, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है, यह है सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, तो कमर्शियल का मतलब क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं हम लोग वाणिज्यिक या व्यवसायिक। बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फॉरेन बैंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहला कंडीशन है कि व्यवसाय करता हो, यानी कि ये डील्स विद जनरल पब्लिक। ऐसा आप देखेंगे कि हम लोग आरबीआई में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यानी कहने का मीनिंग वो जनरल पब्लिक डील ही नहीं करता। तो जनरल पब्लिक को डील कौन करेगा, कमर्शियल बैंक। इट डील्स विद जनरल पब्लिक। दूसरा कंडीशन, एक्सेप्ट डिपॉजिट और प्रोवाइड्स लोन। यानी कि ये तीन काम जो करेगा वो बेसिक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। ये तीन काम जो करेगा वो बैंक कमर्शियल। पहला कंडीशन क्या, जनरल पब्लिक डील करता हो, एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइड्स लोन। अब एसबीआई, पीएनबी, कैनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक जितने भी हैं, इवन आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, इंडसइंड बैंक, सबके सब कमर्शियल हैं, चाहे वो सिटी हो, एचएसबीसी हो। बस याद यही रखना हम लोग को कि वैसा बैंक जो कि जनरल पब्लिक डील करता हो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन को प्रोवाइड करे, वो बैंक क्या हो जाएगा, कमर्शियल। ये कमर्शियल का क्राइटेरिया था। कमर्शियल बैंक का जो कंडीशन है, इसमें भारत में कमर्शियल बैंक को दो पार्ट में रखा गया, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अब देखिए, जब आरबीआई एक्ट 1934 बना था तो एक ही लाइन में सारा नियम कानून नहीं लिखा गया, उसमें भी सेक्शन बटा था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2 में शामिल किया गया किसको, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें डिफाइंड है, किसी में करेंसी नोट का सिस्टम है, किसी में ब्रांच खोलने का सिस्टम है, किसी में उसकी रेगुलेशन पावर की सिस्टम है। तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीजें डिफाइंड है। यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत जो बैंक आता वही बैंक है शेड्यूल, और आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं आता तो वो क्या है, नॉन शेड्यूल। तो देखिए, रटने वाला पॉइंट है। अगर बात हम करें तो सीधा बोल सकते हैं हम लोग कि वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है क्या कहलाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। याद रखिएगा, वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है क्या कहलाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक।
और वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं आता वो नॉन शेड्यूल। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा समझ लें, 2010 तक क्या था, 2010-11 तक भारत देश में एक कमर्शियल बैंक हुआ जो नॉन शेड्यूल था, J&K, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले क्या था कि धारा 370, आर्टिकल 370 का कंसेप्ट, हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, हम वहाँ का झंडा अलग होता था, वहाँ के मुख्यमंत्री का शासनकाल 6 सालों का था, सरिया कानून था, बहुत सारा सिस्टम था, तो वहाँ का बैंक वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलता था, तो वो बैंक क्या था वहाँ नॉन शेड्यूल। हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आप देखिए ये भी बैंक जो है नॉन शेड्यूल नहीं, यानी वर्तमान इसको भी शेड्यूल कर दिया गया वर्ष 2011 में, यानी कहने का मीनिंग वर्तमान समय में नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक की संख्या एक भी नहीं है। तो हम लोग देख लें तो कमर्शियल बैंक को बेसिकली कितना कैटेगरी में बांटा गया, तो दो कैटेगरी में, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है कहलाएगा शेड्यूल, और वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं आता है वो कहलाएगा नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब देखिए ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है ये भी दो पार्ट में है, एक है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक और एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो संख्या है वो 12 है, जिसमें से एक है SBI और 11 नेशनलाइज बैंक, और इधर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक की लिस्ट है जिसमें कि इंडियन प्राइवेट बैंक, फॉरेन प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए मैंने पिछले ही सेशन में आपको बताया था कि हमारे देश में जो नेशनलाइज बैंक है जिसमें कि फर्स्ट फेज में हुआ था नेशनलाइज 14 बैंकों का, इस 14 में से 4 बैंक जो है मर्ज हो गया, टोटल बच गया 10, और सेकेंड फेज में जो 6 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था जिसमें से 5 बैंक मर्ज हो गए, टोटल 1 बच गया, तो 10 और 1 कितना, तो 11, यानी कि टोटल जो है नेशनलाइज बैंक की संख्या 11 और 1 SBI को मिला दे तो टोटल कितना 12। पहले एक और बैंक होता था भारतीय महिला बैंक, लेकिन उसको भी 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया गया, तो भारत देश में जो है अब पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या मात्र 12। प्राइवेट बैंक में बात करें तो 4 कैटेगरी है इसमें भी, एक है इंडियन प्राइवेट बैंक, दूसरा फॉरेन प्राइवेट बैंक, तीसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक और चौथा पेमेंट बैंक। इंडियन प्राइवेट बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें कि एक्सिस बैंक, बंधन बैंक जिसको अभी हाल में 2016 में लाइसेंस मिला है, ठीक, CSB बैंक, सिटी बैंक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, सिटी बैंक की बात करें तो फॉरेन प्राइवेट है, DCB बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट इंड बैंक जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए ये जो IDFC है इसको भी 2016 में लाइसेंस दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक लिमिटेड, करूर वैश्या बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, नैनीताल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यस बैंक, IDBI। IDBI जो है ये पहले पब्लिक सेक्टर था, फिर गवर्नमेंट ने शेयर वापस कर लिया, LIC इसके शेयर को खरीद ली और यह भी हो गया प्राइवेट बैंक। अब देखिए ये बैंक का नाम मैंने इसलिए बता दिया कि कोई भी नाम आपको ऐसा ना लगे कि मेरा सुना हुआ नहीं है। ये सब के सब क्या है, तो इंडियन प्राइवेट बैंक है। इंडियन प्राइवेट बैंक का कंसेप्ट अभी इंडिया में क्या हो गया, जैसे कि हम नेशनलाइजेशन में बताए थे कि फर्स्ट फेज में जो बैंक नेशनलाइज होता था उसके पास पूंजी होती थी 50 करोड़, सेकेंड फेज में नेशनलाइज हुआ उसके पास पूंजी थी कितनी 200 करोड़, और अभी क्या है कि बैंक जो नेशनलाइज होता है तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए, तो 500 करोड़ का कैपिटल फंड। सबसे पहले 500 करोड़ के कैपिटल फंड, यही नहीं इसके अलावा 10 सालों तक का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने का एक्सपीरियंस, याद रखिएगा 10 साल का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने की एक्सपीरियंस, और इसके 25% ब्रांचेज ऑलरेडी रूरल एरिया में वर्क कर रहे हों, 25% ब्रांचेज टोटल काम कर रहे हो कहाँ, रूरल एरिया में, साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड का केस ना हो। तो इस कैटेगरी या इस क्राइटेरिया को जो बैंक फुलफिल करता है उसे इंडियन प्राइवेट बैंक की संज्ञा दी जाती है। वर्ष 2016 में दो बैंक बना था जिसमें से एक बैंक है कौन सा, तो बंधन बैंक, और दूसरा बैंक कौन सा, तो IDFC जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक। टोटल जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी या नॉन बैंकिंग कंपनी थी उसमें से इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला दो ही बैंक हुआ, एक बंधन बैंक और एक IDFC बैंक। यानी इंडियन प्राइवेट बैंक के लिए टोटल कैपिटल कितना चाहिए, तो 500 करोड़ का कैपिटल, 10 साल का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने की एक्सपीरियंस, और 25% ब्रांचेज उसके वर्क कर रहे हो कहां, रूरल एरिया में, जो मैंने अभी लिस्ट बताया ये सब के सब क्या है, तो इंडियन प्राइवेट बैंक। दूसरा फॉरेन प्राइवेट बैंक। देखिए फॉरेन प्राइवेट बैंक को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना क्या होगा,
तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो भारत देश में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसे बेसिकली दो तरीके से रखा गया, कैसे कैसे, तो एक है एफडीआई, एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है एफआईआई, इसे कहते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हिंदी में कह सकते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और एफआईआई को हम लोग कह सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश। अब देखिए जो कंपनियां हमारे इंडिया में पहले से काम कर रही है, चाहे तो वो टाटा है, बिरला है, बजाज है, रिलायंस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, इस तरह की कोई भी कंपनी जो भारत देश में पहले से एग्जिस्ट कर रही है, इस कंपनियों के अगर शेयर को कोई विदेशी खरीदता है तो वो इन्वेस्टमेंट है क्या, तो एफआईआई जिसे बोलते हैं हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी संस्थागत निवेश। और अगर कोई विदेशी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करता है जिससे कि भारत देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो ये इन्वेस्टमेंट है क्या, तो एफडीआई। अब एफडीआई का कंसेप्ट भी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है, जैसे कि हम देखें तो एफडीआई इन रिटेल सेक्टर, रिटेल में भी दो तरह के ब्रांड है, कैसा कैसा, एक है सिंगल ब्रांड और एक है मल्टी ब्रांड। अभी तक जो मल्टी ब्रांड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो है 51%, सिंगल ब्रांड में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो है 100%। इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है वो है 20%, ठीक। और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है 74%, यानी कि अगर किसी भी प्राइवेट बैंक में फॉरनर्स के शेयर 74% से ज्यादा हो जाए, यानी फॉरनर्स के शेयर कितने, तो 74% से ज्यादा हो जाए तो वो बैंक क्या हो जाएगा, तो फॉरेन प्राइवेट क्या हो जाएगा, यानी कि शेयर कितना, तो 74% से ज्यादा किसका, फॉरेनर का हो जाए किसी भी प्राइवेट बैंक में, तो वो बैंक क्या हो जाएगा, फॉरेन प्राइवेट बैंक। यहाँ पर कुछ हम लोग लिस्ट ले लिए हैं फॉरेन प्राइवेट बैंक की जो इंडिया में काम कर रहा है, जिसमें से एक है सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी बैंक, डच बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, डीबीएस बैंक, बार्कलेज बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब जो भी है ये टॉप 10 फॉरेन बैंक है जो भारत देश में कार्यरत है, यानी कि इन बैंकों में फॉरनर्स के शेयर कितने हैं, तो 74% से ज्यादा, यानी कि वैसा प्राइवेट बैंक जहां पर फॉरनर्स के शेयर 74% से अधिक हो तो वो बैंक क्या होता है, फॉरेन प्राइवेट बैंक। अब देखिए कि तीसरा बैंक जो प्राइवेट कैटेगरी का है वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन क्या है कि वैसा अब क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए पहले क्या था कि पहले बैंक जो खोला जाता था वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही द्वारा, अब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल बैंक एस्टेब्लिश कर सकता है, मोबाइल कंपनी बैंक खोल सकती है, रियल एस्टेट कंपनी बैंक खोल सकती है, रिटेल स्टोर कंपनी विशाल मेगा मार्ट रिलायंस सुविक्षा भी बैंक खोल सकता है। ये सब के सब फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, 200 करोड़ का इसके पास कैपिटल हो, 10 सालों तक का एक्सपीरियंस हो, तो वो बैंक क्या हो जाएगा, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे कि कुछ कुछ नाम हम लोग ले लेते हैं, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कोई इंडिविजुअल या मोबाइल कंपनी या रियल एस्टेट कंपनी या रिटेल स्टोर कंपनी से खोल सकती है। कैपिटल होना चाहिए था, पहले शुरुआत में था 100 करोड़, अभी हो गया 200 करोड़। चौथा जो एक प्राइवेट बैंक है जिसे हम लोग कहते हैं पेमेंट बैंक, इसमें भी क्या है कि कोई मोबाइल कंपनी, कोई रियल एस्टेट रिटेल स्टोर इसे लगा सकती है, लेकिन ये वर्चुअल फॉर्म होता है। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा पेटीएम, पेटीएम का बैंक जो हम लोग यूज करते हैं उसके कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है कहीं, वो आपके मोबाइल फोन में ही है। उसी तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो प्राइवेट बैंक का जो कैटेगरी हो गया बेसिकली वो चार तरह के, कौन कौन सा, तो एक हो गया इंडियन प्राइवेट बैंक, दूसरा हो गया फॉरेन प्राइवेट बैंक, तीसरा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, और चौथा कौन सा, तो पेमेंट
बैंक, इसके क्राइटेरिया को लेकर के हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे नेक्स्ट डे। ये कुछ बैंकों के लिस्ट हैं, देख लीजिए, ये लोगोज हैं, आपको लोगो तो क्वेश्चन आता नहीं, हाँ टैगलाइंस आते हैं, तो बच्चों आप लोग क्या करिएगा, टैगलाइंस तैयार कर लीजिएगा और हम एक सेशन लेकर के उसका भी चले आएंगे, उसका कुछ ट्रिक्स है याद करने के। फिर जो तीसरा जो उसमें था वो था कोऑपरेटिव बैंक, पहला बैंक हो गया सेंट्रल बैंक, दूसरा हो गया कमर्शियल बैंक, तीसरा था कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक किसी खास स्पेशल सोसाइटी या एरिया को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि हम लोग पहले क्या होता था सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते थे कि हम सभी इकट्ठा हो जाए, एक जगह पैसा इकट्ठा करके रखें, अगर मान लीजिए कि इसमें किसी को पैसे की जरूरत है तो ये ले गया, इसको जरूरत है ये ले गया, इसको जरूरत है ये ले गया। अब जो हमने ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर पैसे की कमी होगी तो लोन देगा कौन, कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि किसी खास स्पेशल सोसाइटी या एरिया को डेवलप करने के लिए जो बैंक होता है वो बैंक कौन सा, तो कोऑपरेटिव बैंक। भारत देश में जो कोऑपरेटिव बैंक है यह भी आरबीआई एक्ट 1934 फॉलो करता है, लेकिन इसको फंडिंग करती है कौन, तो स्टेट गवर्नमेंट। भारत देश का जो कोऑपरेटिव बैंक है बेसिकली तीन तरह का, पहला है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है ब्लॉक कोऑपरेटिव बैंक। जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है इसे सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कहा गया है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ही दूसरा नाम होता है सेंट्रल कोऑपरेटिव, यानी कहीं सेंट्रल लिखा हो जैसे पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तो समझिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का बैंक है। और तीसरा ब्लॉक कोऑपरेटिव, ब्लॉक कोऑपरेटिव का ही दूसरा जो नाम है वो है पैक्स, इस पैक्स को कहते हैं हम लोग प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, यानी ये जो कोऑपरेटिव बैंक है इसे स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। और कोऑपरेटिव बैंक भारत में तीन तरह का, पहला स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, तीसरा ब्लॉक कोऑपरेटिव। सबसे बड़ा होता है कौन सा, तो स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का दूसरा नाम क्या, सेंट्रल कोऑपरेटिव, और ब्लॉक कोऑपरेटिव का दूसरा नाम क्या, पैक्स। पैक्स का चुनाव होता है गांव में, हम लोग पैक्स क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी, यहां मिस टाइप हो गया था, यानी कि जो ब्लॉक कोऑपरेटिव है उसी का दूसरा नाम क्या है, तो पैक्स, जिसे कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी। चौथा बैंक है डेवलपमेंट, इसका शुरुआत से ही काम था कि डेवलपमेंट करना, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, एसएफसी, एलडीबी, मुद्रा, एक्सिम, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक। नाबार्ड को क्या कहते हैं, नाबार्ड को कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी क्या होता है, सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एनएचबी को कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। एसएफसी होता है स्टेट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। एलडीबी है लैंड एंड डेवलपमेंट बैंक। मुद्रा होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। एक्सिम होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। आईडीबीआई होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और एचएसबीसी हांगकांग शंघाई एंड बैंकिंग कॉरपोरेशन। अब देखिए ये जो चार बैंक था शुरुआत में, इसका काम ही था डेवलपमेंट का, इसका काम क्या था शुरू से ही डेवलपमेंट का, लेकिन बाद में आकर के ये सब बैंक हमसे डिपॉजिट भी लेने लगा, एक्सेप्ट करने लगा, तो इन बैंकों को हम लोग डेवलपमेंट कमर्शियल बैंक भी कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट तो है ही और साथ ही साथ कमर्शियल भी है। इस सब का फुल फॉर्म आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में आता है कभी कभी, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि एनएचबी में एच का मीनिंग क्या होगा, एसएफसी में एफ का मीनिंग क्या होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्लाइड जो है हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर ले, तो हमने सेशन जो स्टार्ट किया था पिछला सेशन था हिस्ट्री ऑफ बैंक का, आज हमने लिया बैंक एंड इट्स टाइप, जिसमें देखिए कि भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसे डिफाइंड कहाँ किया गया, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B, जिसमें उसके डेफिनेशन को लिखा गया है। भारत देश का जो बैंक है बेसिकली चार कैटेगरी में, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक। फिर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, जो बना है 1 अप्रैल 1935, जिससे रिलेटेड एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। इस दूसरा बैंक है कमर्शियल, जो कि डील करती है जनरल पब्लिक, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती है। कमर्शियल दो तरह का हो गया, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत आता है शेड्यूल, और वैसा कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं आता, नॉन शेड्यूल। फिर हमारा शेड्यूल भी दो हो जाता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक की संख्या कितनी, जहां पर गवर्नमेंट्स के शेयर 51% से ज्यादा, समझ लीजिए पब्लिक सेक्टर, 51% से कम गवर्नमेंट्स के शेयर तो हो गया प्राइवेट सेक्टर।
यानी कि 51 क्राइटेरिया, वैसे 50 आप ले सकते हैं लेकिन हम लोग 51 बताते हैं, यहीं से हमारा शेयर शुरू होता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या हुआ है, एक SBI और नेशनलाइज बैंक 11 कितने 12, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर 51% या उससे ज्यादा है, 51% से कम है। तो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कितने कैटेगरी में लिए हम लोग, तो 4 कैटेगरी, इंडियन प्राइवेट, फॉरेन प्राइवेट, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। इंडियन प्राइवेट बैंक के लिए कैपिटल कितना होना चाहिए, 500 करोड़ का कैपिटल, 10 ईयर्स का फाइनेंशियल सेक्टर चलाने की एक्सपीरियंस और 25% ब्रांचेस ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं रूरल एरिया में, जिसमें से लाइसेंस किसको किसको मिला, तो बंधन बैंक और IDFC बैंक। ये कुछ लिस्ट था जिसमें कि हम लोग प्राइवेट बैंक का नाम देखे। फिर था फॉरेन प्राइवेट, फॉरेन प्राइवेट में हम लोगों ने जाना फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह का, एक FDI और एक FII, यानी कि जो कंपनियां पहले से इंडिया में, टाटा, बिरला, बजाज, रिलायंस, विप्रो, इंफोसिस, इन कंपनियों के शेयर को कोई विदेशी खरीदता है तो वो इन्वेस्टमेंट है FII। लेकिन हमारे देश में कोई विदेशी आकर पैसा इन्वेस्ट कर दे जिससे कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो उसे कहते हैं FDI। हमारे देश के जो फॉरेन प्राइवेट बैंक हैं वो कुछ इस तरह से लिस्ट था, जिसमें से कुछ टॉप 10 लिस्ट मैंने लिया। यहाँ पर प्राइवेट बैंकों में गवर्नमेंट के शेयर 74% से ज्यादा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये लिस्ट थे, पेमेंट बैंक का ये लिस्ट था। नेक्स्ट क्लास में उसके बाद था एक कॉपरेटिव बैंक। कॉपरेटिव बैंक क्या था, 3 तरह का होता है, स्टेट कॉपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव और तीसरा था क्या, तो ब्लॉक कॉपरेटिव। सबसे बड़ा होता है स्टेट कॉपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव का दूसरा नाम सेंट्रल, ब्लॉक कॉपरेटिव का दूसरा नाम क्या, तो पैक्स, जिसे कहते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी। यह था डेवलपमेंट बैंक के लिस्ट। नेक्स्ट क्लास टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे एक सेशन जिसमें कि क्राइटेरिया बताएंगे स्मॉल बैंक, फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक या इंडियन प्राइवेट बैंक या फॉरेन प्राइवेट बैंक, कौन कौन बैंक क्या क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। थैंक यू दोस्तों, अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप जाइए यूट्यूब चैनल क्वेस्ट, याद रखिएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।